फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी बंगाली कुकिंग। मैं तनुश्री स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए और एक स्वीट डिश लेके हाजिर हो गई हूँ, बेसन के लड्डू। मैं जिस स्टेप से आपको बेसन के लड्डू बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही यूनिक है और बहुत ही टेस्टी है। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में एक बेल आइकन आता है, उसको भी आप प्रेस करना मत भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने से मेरा जितना भी नया नया रेसिपी है सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बोल में इस कप से 3 कप बेसन मैंने ले ली है, यानी कि 250 ग्राम बेसन मैंने ले ली है। अब मैं इसमें छोटा चम्मच से आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल देती हूँ। बेकिंग सोडा डालने के बाद अब मैं इसमें छोटा चम्मच से 1 चम्मच नमक ऐड कर देती हूँ। अब 2 टीस्पून सोयाबीन ऑयल डाल देती हूँ। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेती हूँ। आप देख सकते हो मैं किस स्टेप से कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल स्टेप से ये, और परफेक्ट बेसन का लड्डू बनाने के लिए यही सही तरीका है। आप देख सकते हो मैं एक सॉफ्ट डो तैयार कर ली है। अब इस डो को 5-7 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। अब गैस में एक कढ़ाई बिठा दिया है, इसमें 1 कप सोयाबीन ऑयल डाल दी है। ऑयल को गर्म होने तक वेट करेंगे। आप देख सकते हो ऑयल गर्म हो गया है। आप गैस का फ्लेम मीडियम में रखेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम में रखने के बाद थोड़ा थोड़ा डो लेके पूरी बना के ऑयल में दे देंगे। आपको दिखा देती हूँ हाथ की मदद से मैं किया है, बहुत ही सिंपल है। आप चाहे तो बेल के भी दे सकते हो, लेकिन ये पूरी पतला नहीं होगा, भारी होना चाहिए। मैं इसीलिए हाथ की मदद से ही कर रही हूँ। अब हम 10 मिनट तक गैस का फ्लेम मीडियम में रख के पूरी को हम पकाएंगे लाइट ब्राउन होने तक। दोनों साइड से हम पलट के लाइट ब्राउन करके पूरी को पका लेंगे। आप देख सकते हो मैं किस स्टेप से कर रही हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। पूरी हमारा लाइट ब्राउन हो गया है, अब इसको उठा लेते हैं। ऐसा करके हम बाकी सारी पूरी को भी इसी टाइप से हम बना लेंगे। सारी पूरी को हमने बना ली है। अब एक पूरी को लेके एक मिक्सी बोल में हम इसको तोड़ के पाउडर बना लेंगे। पूरा पाउडर नहीं बनाएंगे, दरदरा रखेंगे इसको। आप चाहे तो मिक्सी में भी आप दरदरा पीस सकते हो, ऑप्शनल है। देख सकते हो मैं किस स्टेप से कर रही हूँ। हाथ की मदद से थोड़ा टाइम लगता है, आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप मिक्सी में भी दरदरा पीस सकते हो। मैं हाथ की मदद से की है। अब सारी पूरी को ऐसे हम कर लेंगे। सारी पूरी को मैंने दरदरा पीस ली है। अब हम चाशनी बनाने के लिए गैस में एक कढ़ाई बिठा देते हैं। इसमें 2 कप चीनी ऐड कर देते हैं। 2 कप चीनी ऐड करके इसमें 1 कप पानी ऐड कर देते हैं, और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। चीनी को पिघलने तक हम वेट करते हैं। चाशनी बहुत ही जल्दी बन जाता है, टाइम बहुत कम लगता है इसमें। अब देख सकते हो चीनी अच्छी तरह से पिघल गई है। अब मैं इसमें छोटा चम्मच से 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल देती हूँ। इलायची पाउडर देने से बेसन का लड्डू का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हम चाशनी को एक तर बनने तक हम वेट करेंगे। अब हम देखते हैं चाशनी बन के रेडी हुआ या नहीं। एक तर बन गया है, चाशनी बन के रेडी हो गया है। अभी लड्डू बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। अभी गैस का फ्लेम मीडियम में रखेंगे और
बेसन के पाउडर को हम डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, ये आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। सारे बेसन को हमने चाशनी के साथ मिक्स कर ली है। अब गैस का फ्लेम ऑफ करके एक थाने में हम बेसन ले लेते हैं थोड़ा सा और लड्डू बना लेते हैं। आपको दिखा देती हूँ, आप चाहे तो थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हो लड्डू। सारे लड्डू को हमने बना के रेडी कर ली है। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। ये आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।